News 18, India. और अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग खत्म होने के दो दिन के बाद भी पूरे नतीजे नहीं आए हैं। अभी तक के नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। आम चुनाव में इमरान खान समर्थित 92 उम्मीदवारों की जीत हुई है। इस बीच इमरान खान की पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप भी लगा लिया है और पूरे पाकिस्तान में विरोध की तैयारी कर ली है। आज इमरान की पार्टी पीटीआई पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन करेगी। इमरान की पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है और यही वजह है। आप देखिए दूसरी तस्वीर में, आप देख पा रहे हैं पीटीआई की तरफ से किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वही नवाज शरीफ की तरफ से बहुमत का दावा किया जा रहा है, लेकिन किसकी सरकार बनेगी इस पर संशय बरकरार। तो पाकिस्तान में जारी वोटों की गिनती के बीच इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष गौहर खान ने बड़ा दावा किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रपति आरिफ अलवी पीटीआई को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान तय करेंगे कि पाकिस्तान का अगला पीएम कौन होगा। उन्होंने चुनाव में बहुमत मिलने का भी बड़ा दावा किया है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के तीन दिन के बाद भी पूरे नतीजे सामने नहीं आ पाए हैं और यहां पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। इमरान खान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार 92 सीटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। नवाज की पार्टी 77 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। इस बीच जेल में बंद इमरान खान की पीटीआई और बिलावल भुट्टो की पीपीपी ने कई सीटों पर धांधली के आरोप लगाए। दरअसल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए, एक सीट पर चुनाव टाल दिए गए हैं, जबकि एक सीट NA88 के नतीजों को खारिज कर दिया गया है। यहां पर 15 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी। बाकी 70 सीटें जो हैं वो रिजर्व है। अब यहां ग्राफिक्स के जरिए से समझिए कि सरकार बनाने के लिए 134 सीटों पर बहुमत होना जरूरी है और पाकिस्तान में मुख्य रूप से तीन पार्टियों के बीच यहां मुकाबला है। इनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी PTI और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP शामिल है। लेकिन तीनों ही पार्टियों के पास बहुमत नहीं है। आप आंकड़ा देखिए, तीनों में से किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। कुल सीटें 265, बहुमत का आंकड़ा 133, लेकिन तीनों में से कोई भी पार्टियां इस आंकड़े को छूती हुई पाकिस्तान में दिखाई नहीं दे रही है। तो देखिए, पाकिस्तान में आम चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिलने के बाद वहां के आर्मी चीफ असीम मुनीर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि देश को अराजकता और विभाजन की राजनीति से आगे बढ़ाने के लिए एक स्थिर सरकार की जरूरत है। एक ऐसी सरकार जो पाकिस्तान की विविधता और बहुलवाद के साथ लोकतांत्रिक ताकतों का प्रतिनिधित्व करे। ये आपको बता दें, आर्मी चीफ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि देखिए तीन दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक किस पार्टी की सरकार बनेगी ये साफ नहीं हो पाया। तो पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिलने के बाद सरकार बनाने की जोड़ तोड़ यहां पर शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जेल में बंद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के समर्थन वाले 92 इंडिपेंडेंट